तेरा प्यार चाहिए से प्यार हाँ से तू राजा की छोरी राजकुमार चाहिए से तू राजा की छोरी राजकुमार चाहिए से बाबू और तीसरा मैं एक तू एक तेरी माँ एक तीसरा तेरे बापू हाँ ठीक है तू और आपका नाम क्या है मेरा नाम है सत्यवान सत्यवान हाँ और मेरा नाम पूछो क्या है के है मेरा नाम है सावित्री सावित्री जी फिर देख हमारी तो नई जोड़ी मिल गई नाम राशि एक होगी दोनों की सत्यवान सावित्री नाम राशियां तो कुछ नहीं होता राशि राम की रावण की भी एक थी पर राम ने रावण मारा नाम राशि बामणा ने सिस्टम फेल कर दिया कोई राशि दूसरी नहीं होती सुन दिल मिलने चाहिए राशियां के चक्कर मत पड़े तो दिल तो मिला लेंगे तू मिलाएगा जब ही तो अच्छा हाँ तो कह दे अपनी बात अच्छा तो सुन ले Oh, God.
तो मेरी भी मैं ब्याह कर लूं, लेकिन मेरे घर में तीन आदमी हैं, मेरी माँ, मेरा बाबू और तीसरा मैं। मेरे माँ बाप दोनों अंधे हैं, उनकी सेवा करनिया मैं एक हूँ, पूरे दिन लकड़ी काट के, और मैं लाला जी का बेच का हूँ। लाला दो वक्त का खाना दे, दो रोटी दे हमने। अच्छा, दो नहीं तीन। लाला पूरे दिन की तीन रोटी दे है, एक मेरी माँ खा ले, एक मेरा बाबू खा ले, तीसरी बच जा तो मैं खा लूं। अब मैं तेरे ब्याह तो कर लू, पर काल ना चाची तू के खाओगी? मैं खा रूंगी केला। हैं? केला? देख, बटर भंडार में चला करेंगे दोनों। केला कोने मिला करता, लाला केला नहीं देता, लाला दे रोटी में भी तीन। कोई बात नहीं, देख घर में कितनी रोटी आती है? तीन। तीन आती है, एक माँ खा ले, एक बाबू खा ले, तीसरी बच जा तो मैं खा लूं। तो कोई बात नहीं, तेरी रोटी में एक इतना छोटा सा टुक मैं भी ले लूंगी। मेरी रोटी में डेक टुक ले लाई, एक इतना छोटा सा और डेक सी ना सारा तू बिलांद लेगी पूरी। और वह मेरा बस की बात को ना, और मैं ब्याह कर भी लू, फिर उसके बावजूद दिक्कत एक और आ है के मेरे घर में दो खाट है। अच्छा जी, एक पर मेरी माँ सो जाए, एक पर मेरा बाबू सो जाए, बीच में दरी ही बिछा कर मैं सो जाऊं, तू कित सोगी? कोई बात नहीं, बीच में हम भी सो जाएंगे दोनों। मैं बीच में मेरी माँ सोती, बगल में बाप सोता, मन शर्म नहीं आओगी? अरे वो दोनों अंधे हैं। तो वे अंधे हैं, बहरे को ना महसूस कर लेंगे। तू शादी की हाँ भर, हम मैं कर लूंगी सब कुछ। अच्छा हाँ, सुन ले मेरी बात, सुन ले मेरी बात। बालम जोड़ी।
था उस टाइम तो मैं बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब अचानक मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे यमराज मेरे कहीं आसपास हो और मेरे मृत्यु के दिन दो वे नजदीक आ गए हों। पिया जी आपने बहुत ज्यादा लकड़ियां काट ली है, आप थक गए हैं, आप एक काम करिए आप मेरे पास आके बैठिए, लाइए मैं आपका सर दबा देती हूँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। रसावतरी मेरे प्राण काढ़ कोए ओए ले जाना चावे से अरे मेरी काया में भड़क लागरी चक्कर सा दुश्मन काल लहू दे का दुश्मन काल लहू दे का रासे लेक कुलाड़ा आड़ मेरे कोई काटन न हो रासे सत्यवान इस जिंदगानी ने नाटन न हो रासे मेरा जी लिकड़ा मैं मरिया पड़िया सिर पाटण ने हो रासे रे पाटण ने हो रासे बेरी की सा दर्द जिगर में बेरी की सा दर्द जिगर में चूट चूट खावे से दुर्गाया में भड़क लागरी चक्कर सा आवे से रे चक्कर सा ज्यादा समय मेरे पास है नहीं, मुझे महसूस हो चुका, अंतिम दो बात और बताना चाहता हूँ। पिया जी आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं होगा, आप बिल्कुल भी ऐसी बातें मत करिए। मेरी बात सुन लो। कहिए। बेसमझ कहेंगे यो चंद्र के गावे से मेरी काया में भड़क लाग रही मने चक्कर सावे से, इतना कह कह फटका खा के सत्यवान गिर गया। यमराज आया और जैसे ही सत्यवान के पास जाता है एकदम करंट सा लगे यमराज के, क्यों? क्योंकि सती सावित्री के सत और तप के तेज के कारण। देखिए यमराज को क्यों कर पागल बना के
हिंदुस्तान की वीरांगना सती सावित्री अपने पति के प्राण वापस लेती है। सुनिए इस किस्से की अंतिम रागनी है, आइए किस प्रकार से चलिए। हेलो पहली बार यमराज को किसी ने देखा और पहली बार यमराज का किसी ने हाथ पकड़ा। बेटी जी महाराज, क्या मैं तेरे को दिखाई देता हूँ? हाँ बिल्कुल। निर्जला ग्यारस माता के व्रत करे थे, उसके महत्व के कारण बेटी सावित्री तूने मेरे दर्शन भी कर लिए, मेरा हाथ भी पकड़ लिया, लेकिन मैं क्या देखता हूँ, जब तने मेरा हाथ पकड़ा मेरे शरीर में बिजली सी कूद गई। बेटी ये तेरे सत्य और तप के कारण ऐसा हुआ, मैं तेरे नजदीक नहीं आ सकता, अगर नजदीक आया तो तेरे सत्य की अग्नि मुझे भस्म कर देगी। ये लड़का तेरा क्या लगता है? ये मेरे पति है महाराज। ओए होए, तेरा पति है जी? बेटी ये तो मर लिया। नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए महाराज। गिनती के सांस पूरे हो लिए, अंजल पानी सब खत्म, अब ये तेरे सामने किसी कपड़े की भांति है, इसके अंदर रूह आत्मा है, मैं यमराज हूं, इसकी आत्मा को निकाल के दूसरे शरीर में स्थानांतरण कराऊंगा। बेटी जब तक तू इसके नजदीक है मैं तेरे नजदीक नहीं आ सकता, तू खड़ी हो और मुझे मेरा कर्म करने दे, मुझे इसकी आत्मा को निकालने दे। नहीं महाराज नहीं, आप ऐसा मत करिए महाराज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ महाराज। कमाल करे, हाथ जोड़ने तक अगर यमराज मान जा तो देश मरे को ना, किसी का कोई मरे सब हाथ जोड़ के कहेंगे भगवान बुड्ढे ने ना मारा छोरे का भी हाथ देख के मर जाएगा। मैं हाथ जोड़े की नहीं मानता हूँ। रहम कीजिए महाराज। कैसा रहम? अभी तो हमारे शादी के पूरे एक वर्ष हुए महाराज, और अभी से आप मेरे पति के प्राण निकाल रहे हैं। एक साल तक पति का सुख भोग लिया, दुनिया में ऐसी भी लड़की एक दिन स्वागण दूसरे दिन अभागण। बेटी जिंदगी बहुत बड़ी है और रंगीन है, इसका मोह छोड़ अलग हट। नहीं महाराज नहीं। ये लकड़ियां इकट्ठी कर, इसकी चिता भी बनानी है। बेटी कब तक बैठी रहेगी? खड़ी हो। नहीं महाराज। अरे बेटी खड़ी हो। नहीं महाराज, मैं अपने पति से महाराज एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होंगी। तू तेरे पति के ऋण से उऋण तभी होगी जब इसको मुखाग्नि और अंत्योष्टि कर्म मिलेंगे, इसके अंतिम संस्कार होने हैं। इसके सगे संबंधियों को खबर कर दे, शाम होने वाली है, जंगली जानवर खा जाएंगे इसको आके। तू खड़ी हो, अपना कर्म कर और मुझे मेरा कर्म करने दे, सुन मेरी बात। हे तेरा फर्जी अड़े हुआ पूरा, इब सावत्री उल्टी हट जा। नहीं महाराज। उल्टी हट जा? नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि बिना पति के धर्म राज मेरी हट जा। शरीर से अलग हटेगी तो तू जो कहेगी मैं तन्ना दे दूंगा। महाराज मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए महाराज, हम मेरे पति के प्राण दे दो। क्या? मेरे पति के प्राण दे दो महाराज। पति का रोड़ा सारा है। अगर तू इसके शरीर से अलग हटेगी जिंदगी को जीने के लिए तू जो कहेगी मैं तन्ना दे दूंगा।
हटना होगा अलग। नहीं महाराज। एक काम कर। क्या? खड़ी हो, खड़ी हो। वो सामने गुलाब का फूल खिल रहा है, जा उस फूल को तोड़ के मेरे को लाके दे दे। जब तक तू वापस आएगी मैं तेरे पति के प्राण दे दूंगा। नहीं महाराज, आप मेरे साथ में छल कर रहे हैं महाराज, ताकि मैं वो गुलाब को फूल तोड़ने जाऊं और इधर आप मेरे पति के प्राण निकाल लो महाराज। अरे बड़ी चाल लो है, तो समझ गई मेरी बात। कोई ना कोई युक्ति लगानी पड़ेगी इसके शरीर से अलग करने की। बेटी अलग तो होना होगा। नहीं महाराज। सुन मेरी बात। कहिए। को ना ताड़ करूं। दिखे पहली वचनी भरो भगवन में, आगे फिर सवाल करो। पहले वचन भरो भगवन में, आगे फिर सवाल करो। वचन जी महाराज। ले एक दो तीन। ठीक है महाराज। है सत की सती सावित्री, मैं भी तो तेरा ख्याल करूं। ऊंचा मानवस्ता जति पति बिन, मोक्ष बता के सुधार करूं। के घर छट जा। है झूठा मोह का जाल जगत में, एक दिन मेरा पट जा। झूठा मोह जाल जगत में, एक दिन मेरा पट जा। सावित्री जी महाराज, तीन वचन भरवाए हैं जी। बेटी मैं तेरी भक्ति से खुश हूं, इन तीन वचनों को मैं तीन वरदान में बदलता हूं। ठीक है महाराज, लेकिन एक वचन तू मेरे भर। कैसा वचन महाराज? तीनों वचनों में, तीनों वरदानों में इस पति को नहीं मांगेगी, इसके अलावा जो तू कहेगी मैं तने दे दूंगा। ये क्या कह रहे हैं महाराज? वचन इसलिए मांग रहा हूं, अगर तने पति मांग लिया तो तू वचन हार हो जाएगी और तेरा सत धर्म खत्म हो जाएगा, फिर तेरे सत की अग्नि मुझे भस्म नहीं करेगी। तीन वरदान देता हूं, जो मांगना है मांग ले, पर इस पति को नहीं दूंगा। ऐसा मत करिए महाराज। एक वचन दे। आप एक बार मेरी उम्र देखिए महाराज, मेरे पति की उम्र देखिए। कुछ नहीं होता, किसी के मरने से दुनिया नहीं रुकती। वचन दे, तीन वरदान दूंगा, तीन। तो ठीक है महाराज, अगर आप यही चाहते हैं कि मैं अपने पति के प्राण ना मांगू, तो ठीक है महाराज, लीजिए वचन, मैं अपने पति के प्राण नहीं मांगू। आत्मा आ गई। कर ले बेटी यकीन मेरा। दिखे राज मिले, अरे राज मिले और इन्हें खोल दो, वो ससुराने तरीन मेरा। राज मिले और इन्हें खोल दो, वो ससुराने तरीन मेरा। पहला वरदान जी महाराज, तेरे सास ससुर अंधे उनकी आंख खोल दूं जी। तेरे ससुर धुमतसेन का राज्य चोंडा राय मंत्री ने खोस लिया, वो दे दूं जी महाराज। जा बेटा, तेरा पहला वरदान दिया तथास्तु। ठीक है महाराज। है ऐसा ही होगा सावित्री, ऐसा ही होगा सावित्री, देख लिए तू सीन मेरा। बिना पति के श्रीमान मन होगा पति बनी पर जो टट जा। दिखे उस मानसी का के कर ले जो पही बदले नट जा। उस मानसी का के कर ले जो पही बदले नट जा। मैंने
वरदान दिया है, दो बकाया है। पति को भूल जा, जो तू कहेगी मैं दे दूंगा, सोच ले समझ ले, दो वरदान और बाकी है तेरे। तो सुनिए महाराज, दिल की चिंता दूर करो। दिखे दो पुत्र हो, दो बेटे हो मेरे पिता के, धर्मराज मंजूर करो। दो पुत्र हो मेरे पिता के, धर्मराज मंजूर करो। ये तेरा दूसरा वरदान। जी महाराज। तू चाहती के तेरे पिता के दो पुत्र यानी के तेरे दो भाई, तेरे दो भाई। हाँ महाराज। बेटी बड़ा खुश हूँ आज मैं, जा दो नहीं सो भाई। अच्छा। तेरे हो जाएंगे सो भाई, तेरे हो जाएंगे, खुशी आज भरपूर करो। देखे एक पुत्र हो एक बेटा हो मेरी को किसे तेजस्वी और शूर करो। बार बार धन्यवाद सावित्री कि तूने तीनों वरदानों में पति को नहीं मांगा। मैं तो राधु को देने का चीटिंग कर गया यमराज। जी। पहले वरदान में तेरे सास ससुर की आंख उनका राज, ठीक है महाराज, तथास्तु, ठीक है। दूसरे वरदान में तेरे पिता के दो नहीं सौ पुत्र, तथास्तु, ठीक है महाराज। तीसरे वरदान में तेरे भी एक पुत्र बेटी, तथास्तु, ठीक है महाराज। देता हूँ वरदान सती, देता हूँ काया का तेरा दुख हट जा। रुकिए महाराज, अब क्यों रोकती हो? ठीक कैसे होगा, क्या कैसे होगा पुत्र मेरा जब पति अले। मैंने पहले ही कहा था, क्या इस पिता को मत मांगना। पिता नहीं पति, कभी पिता कहती है कभी पुत्र कहती है कभी पति कहती है। अनुप्रास अलंकार में तूने मेरी बुद्धि खराब कर दी। अच्छा, मैंने पहले ही कहा था पति। हाँ, इसको मत मांगना महाराज। मैंने पति को कहाँ मांगा है महाराज, मैंने तो पुत्र मांगा है महाराज। तो पुत्र दे तो दिया। अच्छा, तेरे भी तेरे बाप का भी। अच्छा हाँ, लेकिन एक बात बताइए महाराज, जब आज आप मेरे पति के प्राण लेके चले जाएंगे महाराज, तो आप ही बताइए कि मुझे पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी महाराज। ये तुमने सोचा ही नहीं बेटी, हमने इसी मुख से तुझे सती कहा है और इसी मुख से तेरे एक बेटा होने का भी कह दिया है। और जो सती होती है वो सपने में भी पर पुरुष का स्मरण नहीं करती। तूने मुझे मेरे जाल में फंसा दिया सावित्री, लेकिन जो तू मांग रही है ये अनुचित है, ये हो नहीं सकता। नहीं महाराज, आपने मुझे तीन वरदान दिए हैं, आप अपने तीनों के तीनों वरदान पूरे कीजिए, और अगर पूरे नहीं कर सकते तो आप वचनहार हो जाइए महाराज। आप तो बेइज्जती हो रही है यमराज की भाई, चचेनियों में मेरे नाम से प्रकृति के चराचर जीव कांपते हैं। क्या तुझे भय नहीं मुझसे? नहीं है, मैं बहुत डरावना हूं। अच्छा, देख मुझे। आ, आ, आ। एक औरत ज्यादा डरावना कोई हो नहीं सकता, अपनी बात जाता। बेटी तू बड़ी समझदार है, ये क्यों कर जिंदा कर दू। नहीं महाराज, आपने मुझे तीन वरदान दिए हैं, अपने वरदान पूरे कीजिए, और अगर पूरे नहीं कर सकते तो आप मेरे पति के प्राण भी लेके नहीं जा सकते। कित फंस गया राज, बेटी न्यूजिद ना करा करते। नहीं महाराज, एक काम कर, दो चार वरदान और ले लेते। ओहो, पहले तो अभी थोड़ी देर पहले बहुत कर रहे थे तथास्तु तथास्तु, अब कीजिए तथास्तु। इसी तीसी होगी तथास्तु की।
आगे कदे नहीं करूंगा आज के बाद। अच्छा हाँ। वैसे तो आपका नाम यमराज है, यमराज बेटी तेरे आगे तो मैं मुशी बन गया। अरे आप चाहेंगे तो आप क्या नहीं कर सकते, यो नहीं कर सकता। अरे सब कुछ आपके तो हाथ में है, मेरे हाथ में बैंगन भी को ना। अरे प्रकृति के नियम टूट जाएंगे, मैं चाह कर भी किसी के प्राण नहीं ले सकता, चाह कर भी किसी के प्राण वापस नहीं कर सकता, ये मेरे हाथ में नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता महाराज, आपने जो वचन दिए अपने वचन पूरे करो बस। सावित्री तन्ने वचन भरा के, सावित्री तन्ने वचन भरा के, चक्कर बीच फसाया, दिखनो निधि हिरनो निधि और बारा सिद्धि अधीन आपकी माया। पति की काया, दिखे सब कुछ कर सकती है भक्ति, भगवान वचन में पाया, सब कुछ कर सकती है भक्ति, भगवान वचन में पाया। एक उपाय है। कैसा उपाय महाराज? लेकिन ये तेरी परीक्षा होगी। कैसी परीक्षा महाराज? तेरे पति की उम्र तो खत्म, लेकिन मैं क्या देखता हूँ, तेरी उम्र अभी 100 बरस बकाया है। अगर तू मुझे संकल्प दे के आधी जिंदगी मुझे दान करे, वो तेरी आधी जिंदगी 50 साल में तेरे पति को दे दूंगा। 7 जीना और 7 मरना, पर सोच ले 50 साल खराब करेगी जब ये जिंदा होगा। छोटे ना क्यों दुखी हो रही है, इस बार के 50 मिल जाएंगे तने, 100 साल जीवेगी, 100 साल मौज करिए, क्यों खराब करे है? बाकी तेरी मर्जी, तेरी उम्र सोच ले महाराज। हाँ। आप मेरी आधी जिंदगी क्या, अगर आप मेरे पूरे 100 साल भी मांगेंगे तो जब भी अपने पति को दे दूंगी महाराज। ताली बजानी पड़ेगी भाई, ले तो ले दे आधी जिंदगी दे, या तेरी आधी जिंदगी दी सत्यवान को, ले बेटा खड़ा हो जा। अरे मान सिंह ने क्या कर रहे महाराज, आपने वचन दिया है पुत्र करूं हूं। मान सिंह ने मन समझाया, मान सिंह ने मन समझाया, ध्यान हरि हर का रत जा।